हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए पति पत्नी और वो ये वेब सीरीज़ के बारे में रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो इसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसका OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर है। इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है आउट ऑफ 10 और इसका स्टाइल रोमांस और ड्रामा है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। आनंद शर्मा ने मोहन का रोल प्ले किया है, रिया सेन ने रिमझिम का रोल प्ले किया है और विनय अरोरा ने सुरभि का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स स्टोरी लाइन। इसमें बताया गया कि आनंद शर्मा और विनय अरोरा का पहला मैरिज होता है और बाद में वो कैसे मर जाती है, उसकी आत्मा को सुख नहीं मिलता। फिर बाद में उसका पंडित बोलता है कि आप दूसरा मैरिज कर लीजिए जिससे उसके आत्मा को शांति मिल जाए। इससे वो एक लड़की से शादी करते बिना उसे देखे और वो बहुत सुंदर निकलती है, मतलब रिया सेन के, पर वो रिया सेन के पास नहीं आता क्योंकि उसके जो पहली बीवी उसको मुक्ति नहीं मिलती। और मुक्ति नहीं मिलने के बाद कैसे वो यहीं पर रहते, कैसे वो उसके दूसरे बीवी के पास जाने नहीं देती, इसके बारे में ये टोटल मूवी है। और लास्ट में कैसे एक अच्छा एक ट्विस्ट बताया गया है इस वेब सीरीज़ में। सो लेट्स कम पॉइंट्स मेन कंटेंट, दैट इज हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। इसमें हॉट सीन्स के बहुत सारे ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। सो पहला आता है एपिसोड 5 में 11 मिनट्स एंड 13 सेकेंड्स पर रिया सेन का एक हॉट नाइटी हॉट सीन और पैशनेट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है एपिसोड 10 में 23 मिनट्स एंड 54 सेकेंड पे रिया सेन एंड आनंद शर्मा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पति पत्नी और वो ये वेब सीरीज़ के बारे में रिव्यू, हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल। इफ़ यू लव दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकॉन टू वॉच द लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। अगर ये वेब सीरीज़ आपको देखनी हो तो टेलीग्राम के लिंक हमारे लिंक ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।